मुंडा चौक नया मोर्चा के भव्य क्रम महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में उपस्थित हमारे तमाम माताएं बहने तमाम हमारे अभिभावक तमाम हमारे छात्र नौजवान और आज इस अवसर पर हम आप सब को बताना चाहते हैं कि हमारा यह सांस्कृतिक कार्यक्रम गाँव में नहीं बल्कि शहरों के लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ कि हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी भी जिंदा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि अभिलम्ब राज्य में 1932 को लागू किया जाए। करम महोत्सव के आज हम लोग का बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक करम महोत्सव मनाया जा रहा है वो भी रोड शो के थ्रू से। इस तरह से अगर हम लोग अपने संस्कृति के बारे सोचे अपने संस्कृति को बचाने के लिए तो हमारी संस्कृति हमेशा जिंदा रहेगी, कभी कोई भी समाज हमारे संस्कृति को नहीं दबा पाएगा। इस तरह अगर हम लोग अपने संस्कृति के प्रति अगर मनाते रहे आज हमारे बवालों में झारखंड का त्यौहार है ये हमारे झारखंड की संस्कृति है, ये पर हमारे झारखंड की संस्कृति के मनाया जाता है। अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि मैंने अपने कल्चर को भूल दिया जा रहा है, भुला जा रहा है पीछे के सहारे, इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम रखे क्योंकि हम लोग अपने संस्कृति को अभी भी भूले हैं। ये झारखंड के बच्चों को जगाना चाहते हैं और झारखंड के बच्चों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए हमारा कर्तव्य बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे कल्चर है, ये हमारा संस्कृति है, हमारे बुजुर्गों ने जो चला के रखा हुआ हमारी संस्कृति है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर 3 दिन का छुट्टी के लिए सरकार से 3 दिन का छुट्टी मांग रहे हैं क्योंकि हमें कर्मा पूजा के लिए हर त्योहार में छुट्टी दिया जाता है लेकिन हमारे कर्मा पूजा के लिए छुट्टी नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार से डिमांड है कि 3 दिन का छुट्टी देकर हमारे झारखंड के कर्मा पूजा को भी संस्कृति का नाम दिया जाए। हम लोग का जो कि हम लोग यहाँ पे जो हम लोग के ये परम हम लोग का है आदिवासी संस्कृति है और इसको हम लोग अपने अपना में और बेहतर तरीके से मनाएंगे। इसको हम सब इसलिए आज हम लोग पूरा शहर को पूरा झारखंड को पूरा बृहद झारखंड को ये जो बना रहे हम लोग का बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच का है, हम लोग बृहद झारखंड को हम लोग एक संदेश दे रहे हैं कि हम लोग का ये पर्व त्यौहार है, हम लोग इस संस्कृति को हम लोग कैसे हम शहर तक पहुंचाएंगे, शहर के लोग तक हम लोग कैसे जनाएंगे कि हम लोग का धर्म पर्व भी होता है, स्वराज पर्व भी होता है। कहके अब हम लोग का पर्व जो है शहर में विलुप्त कगार में था उसका हम लोग पुनर्जीवित करने के लिए